आशीष पाठक एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिमरी के कुल देवी और माँ कलरात्रि के मंदिर में। आइए माँ कलरात्रि के मंदिर में मुख्य पंडित जिसे इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर की क्या मान्यता है, आइए हम इनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जी सर नमस्कार। जी आपका नाम? जी सर, ये मंदिर का इतिहास क्या रहा? कालरात्रि दुर्गा का सातवां रूप और यहाँ पर जो कालरात्रि मंदिर का स्थापना है सिमरी में, तो सिमरी के लोगों की कुल देवी है कालरात्रि और सिमरी के लोग पहले मनेर में रहते, तो मनेर में जब बाबर मंदिरों को तोड़ने लगा उस समय वहाँ मनेर में मंदिर था कालरात्रि का, उसको तोड़ दिया। इसके बाद कुछ लोग वहाँ से भगौड़ा हो गए मनेर से, तो कुछ लोग यहाँ आए तो ये सिमरी बसा, और सिमरी जब बसा तो बहुत दिनों से सिमरी के लोगों के जो विशेष व्यवस्था के लोग हैं, जो यहाँ के मुख्य अपना निवासी मानते हैं, तो उन लोगों का कुल देवी का स्थापना नहीं, तो 2004 में यहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो कालरात्रि का स्थापना कराते हैं, तो कालरात्रि सिमरी गाँव की कुल देवी है। ऐसे 52 गाँव के ओझा लोगों की भी कुल देवी है और कुछ राजपूतों के भी कुल देवी है कालरात्रि। और कालरात्रि मंदिर सब जगह नहीं है, या तो नौ देवी के साथ में है, या नहीं तो कुछ जगह पर है, जैसे इंदौर है, पुत्रदायिनी है, या कुछ जगह है तो वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि भाई चलो हिमालय में है तो तांत्रिक लोग, बड़े बड़े साधक लोग पूजा करते हैं, इस तरह की मान्यता। और कालरात्रि मंदिर की स्थापना जब से है 2004 से, तब से आज तक यहाँ पर अखंड ज्योति चलता रहता है। तो अखंड ज्योति चलाने का मतलब है कि जिसे कालरात्रि महाशक्ति है, तो महाशक्ति इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि महालक्ष्मी से पहले न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, कोई नहीं। तो महालक्ष्मी सबसे पहले धरती पर आई तो देखी कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो उसने मन विचार किया कि अपने कुछ शक्तियों के द्वारा इन दो और देवियों को पैदा किया जाए, यानी उत्पन्न किया जाए किसी माध्यम से, माने शरीर से पेट से नहीं बल्कि बाहरी शक्ति से। तो महालक्ष्मी के द्वारा कालरात्रि की उत्पत्ति, और कालरात्रि जब वो आ गई तो फिर इसके बाद महासरस्वती, तो तीनों लोगों का नाम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रखा गया। तो उस आधार पर मैं मानता हूँ कि कालरात्रि महाशक्ति है। तो महाशक्ति में तीन ही शक्तियाँ आती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लेकिन अगर और दुर्गा के नौ नामों में लिया जाएगा, नौ रूपों में लिया जाएगा, तो उसमें कालरात्रि सातवां रूप है। तो यहाँ पर जो ज्योत जलता है उसके पीछे ये है कि जिससे माता का तेज जो है हमेशा बना रहे, माता तो तेज है ही, लेकिन उनका जैसे तेज हमेशा प्रकाशमान रहे, लोगों का कल्याण करे, जीव जागरूक रहे, ज्ञान उनका हमेशा जागरूक रहे, कर्म जागरूक रहे, उनका विवेक व्यवस्था सारा जागरूक हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं। और शांति प्राप्त, इसके लिए हम लोग लगातार दीप दान कर रहे हैं, लगातार दीप जला रहे हैं। जी धन्यवाद। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और पाएं अपने आसपास की ताज़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद।